अगर इस हालत में इस छोरी को आप मोटरसाइकिल पे बिठा के गांव लेकर जाएंगे तो गांव वालों को तो मौका मिल जाएगा करने का उस छोरी को ना सर पर चढ़ा रखा है उसे लगता है कि नियम और कानून उस पर लागू कोनी है हमारा एक दूसरे के इतने करीब रहना ठीक नहीं दुर्गा तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम ये भी जानती हो ना की मेरा प्यार सच्चा है इस छोरी के पीछे ना एक दिन बड़े कुछ मुसीबत में पड़ है हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के नए शो दुर्गा के बारे में जहां पर अब हमें अनुराग और दुर्गा की कहानी दिखाई जा रही है वो भी अब सीधा 15 साल बाद की कहानी जी हां जहां पर हम देख सकते हैं कि अनुराग और दुर्गा दोनों ही बड़े हो चुके हैं और दोनों की दोस्ती अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी बचपन में हुआ करती थी और कहानी में हमें देखने को मिल रहा है कि पानी बाई जो एक मकसद के साथ इस घर में रह रही है इस घर वालों को मजा जगाने के लिए रह रही है वो अपने मकसद को बहुत जल्द अंजाम देने वाली और कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बापू साह की मौत हो चुकी है और अब यहाँ पर पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ पानी बाई का ही राज चलता चलता है है उनका ही हुकुम चलता है, जिस बात से हुआ सावित्री जी, जी जो है यानी कि इस घर की असली महारानी जो है वो बेहद नाराज रहती है, में रहती है और हम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से सावित्री जी ने मुन्ना को यानी कि एक नौकर को फूल लेने के लिए भेज दिया था और ये बात पानी बाई को नहीं पता थी जिस बात का बतंगड़ बना दिया है पानी बाई ने और कहानी में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करती है

दुर्गा का रिजल्ट आ गया है दुर्गा ने स्कूल में टॉप किया है उसके साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप किया है और ये बात जैसे ही अनुराग को पता चलती है तो वो बेहद खुश हो जाता है और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अनुराग और दुर्गा के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे और बहुत जल्द उनकी ये दोस्ती एक प्यार में बदलते हुए दिखाई देगा